भारी भरकम चाहिए, 54 टन का है, 54 टन है, उठा सकता है। सुनो, ऐसा कोई है जिनको नाम में काम में कोई समस्या हो, किसी को नहीं आता हूँ? नहीं, अभी जैसे बोल्ट कटर को होल्ड कटर लिख रखा था, ऐसा कोई इशू नहीं है, नाम गलती से लिख भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं। काम भी पता होना चाहिए, काम से क्या होता है, क्योंकि जैसे बोल्ट कटर है तो ये क्या है, कोई भी छोटा मोटा सरिया हो या लोहे से संबंधित कोई भी चीज़ हो, ताले है, ताला लगा रहता है, वो ट्रेन की खिड़कियाँ होती हैं, खिड़की होती हैं, उसमें वो सरिया होते हैं छोटे छोटे, उनको भी काट देते हैं। CSR का जो भी संबंधित है ना, लोहा छोटा मोटा, तो ये अलग अलग सिस्टम है। देखो, ये आराम सा है, तीनों काम करता है, पत्थर भी, लकड़ी भी, ब्लेड होगा नाम। ये जो ब्लेड दिख रहा है ना, ये ब्लेड है, ये कौन सा ब्लेड है? कार्बाइड। लिखो कार्बाइड, एक नंबर पे लिखो RR SA ब्लेड लिखो, रोटरी रेस्क्यू सर, ऐसे मत बोलिए, ऐसे नहीं, रोटरी रेस्क्यू सर, नंबर एक ब्लेड लिखो, कार्बाइड मान लकड़ी होती है, लकड़ी काटने का है, कार्बाइड लिखो, कार्बाइड पे आगे डेस्क पर लिख देना, लकड़ी काटने काम आता है। नंबर दो, अप्रेसिक, इसी में देखना, RR SA के ब्लेड में दूसरे नंबर का अप्रेसिक ब्लेड, हाँ, अप्रेसिक काटने काम आता है, लोहा, अप्रेसिक ब्लेड क्या काटने काम आता है, लोहा। RR SA पहचान कैसे करोगे? SQ देखो, इसका ध्यान रखना है, विशेषकर लकड़ी काट देंगे में ये ब्लेड इस प्रकार से पहचान लोगे ना, हाँ, दांत बाहर निकले हुए हैं, ये अप्रेसिक है, लोहा काटता है। तीसरे नंबर का लिखो, डायमंड ब्लेड, डायमंड गिर जाएंगे कंक्रीट काटने काम आता है, फट जाएगी, कंक्रीट काटने के काम लिख लिया, अगर रोटरी डायमंड ब्लेड, कोई बात ना, थोड़ा दाम लगोगे, सस्ता है ये। और सर, कंक्रीट को काटना, काम देख लो, मोटा मोटा पता लग सर, ये बताओ इस स्पेडर वाला, इसका क्या काम है? स्पेडर कटर, हाँ, ये सरिया काटता है, लिफ्ट को खोलने, लिख लिया, सुनो, इसको लिखो डायमंड चेन, लिख लिया सर, लिख लिया ना, कंक्रीट को काटना, बिल्कुल सही है, ये भी पता होना चाहिए।